नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम पाथ फाइंडर में। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए टोटल 6 नए जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आई हूं, जो कि गार्गी कॉलेज के द्वारा घोषित की गई है। गाइस, मैं आपको वो बता दूं, गार्गी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर आती है और साथ ही गार्गी कॉलेज एक बहुत रेप्यूटेटेड कॉलेज है दिल्ली में। तो गाइस, आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है आप सभी फेलो कैंडिडेट्स के लिए। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे, साथ ही इस वीडियो के एंड में मैं आपको एप्लीकेशन प्रोसेस से रिलेटेड सारी जानकारी सुनिश्चित करूंगी। स्टार्टिंग डेट, लास्ट डेट, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ। सो गाइस, स्टे ट्यून्ड। आप देख सकते हो गार्गी कॉलेज के द्वारा जो 6 नए जॉब वैकेंसी की जानकारी हुई है, उनके लिए जो प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट है वो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। साथ ही आप देख सकते हो वो जो 6 पोस्ट है जिनकी घोषणा हुई है, वो है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट लैबोरेटरी असिस्टेंट बॉटनी, लैबोरेटरी असिस्टेंट केमिस्ट्री, जूनियर असिस्टेंट लाइब्रेरी अटेंडेंट, लैबोरेटरी अटेंडेंट। आप देख सकते हो यहाँ पे जब आप नीचे आओगे अटैचमेंट सेक्शन में, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट अटैचमेंट है जो कि है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। गाइस, ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सारी इंपॉर्टेंट जानकारी होती है, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फी, पैटर्न, एनेक्सियस, प्लेस ऑफ पोस्टिंग एंड एट्सेट्रा। सो गाइस, अगर आप ऐसे इन्फॉर्मेशन में या फिर अगर आप ऐसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इंटरेस्ट रखते हो तो आप डायरेक्टली हमारे प्लेटफॉर्म alert.exampathfinder.com पर आकर जब आप इस डाउनलोड बटन पर प्रेस करोगे तो आपको एक ऐसी डॉक्यूमेंटेशन मिलेगी। आप देख सकते हो यहाँ पे जो स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेस है वो है 17th मार्च 2022, यानी कि 17 मार्च 2022 से लेकर जो लास्ट डेट है वो है 23rd अप्रैल 2022, यानी कि 23 अप्रैल 2022। आपको मैं बता दूं, यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल 23 पोस्ट की घोषणा हुई है। आप देख सकते हो सीनियर पर्सनल असिस्टेंट में एक, लैबोरेटरी असिस्टेंट बॉटनी में एक, लैबोरेटरी असिस्टेंट केमिस्ट्री में एक, जूनियर असिस्टेंट में 2, लाइब्रेरी अटेंडेंट में 3 एंड लैबोरेटरी अटेंडेंट में 50, यानी कि 23 पोस्ट वैकेंसी हुई है। साथ ही आप देख सकते हो यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसीज मेंशनड है, तो आप इन्हें ज़रूर से ज़रूर देखें। और सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए जो एज लिमिट है वो है 35, लैबोरेटरी असिस्टेंट बॉटनी के लिए 30, लैबोरेटरी असिस्टेंट केमिस्ट्री के लिए 30, जूनियर असिस्टेंट के लिए 27, लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए 30 एंड लैबोरेटरी अटेंडेंट के लिए 30। आप नीचे आओगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट नोट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन है जो आपको देखना इंपॉर्टेंट, और वो पॉइंट ये है कि जो भी फर्दर डिटेल है इस पूरे एप्लीकेशन से रिलेटेड वो इनके ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि gargicollege.in पे ये अवेलेबल है, या फिर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि www.du.ac.in पे जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली देख सकते हो यहाँ पे आप इनके कॉलेज पे रीडायरेक्ट किए जा रहे हो इस ऑफिशियल वेबसाइट से। आप देख सकते हो यहाँ पे आप काफ़ी सारे करियर ऑप्शंस देख सकते हो, यहाँ पे आपके लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस है। तो गाइज, आप इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो, आप वहाँ से अपने सारे एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। तो गाइज, आप जब यहाँ नीचे आओगे आप देख सकते हो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के लिए काफ़ी सारे पॉइंट्स मेंशनड है, तो आप एक बार इन्हें ज़रूर से ज़रूर पढ़ें। और जो भी लोग इन पोस्ट के लिए या फिर इस ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्टेड है उनके लिए मैं बता दूं कि आपके लिए ये पॉइंट्स पढ़ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूजुअली हम कुछ छोटे पॉइंट्स को भूल जाते हैं, लेकिन यूजुअली इंटरव्यूज़ के टाइम पर या फिर फॉर्म फिलअप के टाइम पर अगर आप उन चीज़ों को मिस करोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो गाइज, आप ऐसे किसी भी सर्कमस्टांसिस में ना आए। और साथ ही आपको मैं बता दूं यहाँ पे मेंशन है पॉइंट नंबर 19 में कि जो इनकी लास्ट डेट है यानी कि 23rd अप्रैल 2022 के बाद अगर आपकी एप्लीकेशन इनके पास पहुँचती है तो वो रिजेक्टेड में मानी जाएगी। तो गाइज, आप दिए गए टाइम से पहले एप्लीकेशन फॉर्म अपना सबमिट कर ले। और साथ ही आप देख सकते हो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस में मेंशन है कि अनरिजर्व्ड ओबीसी के लिए यहाँ पे 1000 रुपीज़ की फ़ी है, साथ ही एससी एसटी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 750 की है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि यहाँ पे जो एप्लीकेंट्स है यानी कि जो पीडब्ल्यूबीडी या फिर वेमेन एप्लीकेंट है इनके लिए यहाँ पे फ़ी नहीं लगने वाली है। तो गाइज, आप इन्हें ज़रूर से ज़रूर देखें। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हर डिफरेंट पोस्ट के लिए यहाँ पे एसेंशियल्स एंड डिज़ायरेबल्स मेंशनड है। तो गाइज, आप जिस भी पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हो या फिर आप इंटरेस्टेड हो तो आप उनके पर्टिकुलर डिज़ायरेबल एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस देख सकते हो। साथ ही यहाँ पे स्कीम फॉर एग्जामिनेशन भी मेंशनड है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेबस एंड स्कीम्स देख सकते हो। गाइज, मैं बता दूँ मैंने इस पूरे एप्लीकेशन से रिलेटेड आपको सारी जानकारी सुनिश्चित की है।
बट अगर आपको इस पूरे एप्लीकेशन प्रोसेस में कोई क्वेरी है या फिर कोई डिस्कशन पॉइंट है आपके पास या फिर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आप अपने बाकी फेलो कैंडिडेट्स के साथ शेयर करना चाहते हो, तो आप डायरेक्टली हमारे प्लेटफॉर्म alert.exampathfinder.com पर आकर, जब आप इस फोरम बटन पर क्लिक करते हो तो आप हमारी कम्युनिटी फोरम पर आते हो। इस कम्युनिटी फोरम पर आप देख सकते हो यहाँ पर नीचे एक राइटर रिप्लाई का सेक्शन है। गाइज, इस राइटर रिप्लाई के सेक्शन में जब आप अपनी क्वेरीज या फिर इन्फॉर्मेशन या फिर अगर आप अपने डिस्कशन पॉइंट यहाँ पर मैंशन करते हो तो वो आपके बाकी फेलो कैंडिडेट्स के पास भी जाता है और वो भी इन डिस्कशन थ्रेड में फुल्ली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो भी इन डिस्कशन थ्रेड में अपने रिप्लाइज मेंशन कर सकते हैं। एंड आपके हेल्प के लिए मैं हमारे इस कम्युनिटी फोरम की जो लिंक है वो भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, सो दैट आप एक टैप करके डायरेक्टली इस राइटर रिप्लाई के सेक्शन तक पहुँच सकते हो। गाइस, ये एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, आप इसमें एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी टॉपिक रेज कर सकते हो, आप यहाँ पर कोई भी डिस्कशन कर सकते हो एंड ये एक बहुत हेल्दी इन्वायरमेंट है एजुकेशन टॉपिक को डिस्कस करने के लिए। सो गाइज, आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और अगर आप ऐसे अपडेट्स के साथ बने रहना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट।